दिव्यांग कौन नहीं है इस समाज में, इस पूरी कचहरी में या पूरी सृष्टि में दिव्यांग अच्छा, कौन ये, नहीं है? ये पेंसिल आप खोलेंगे? क्यों नहीं खोलेंगे, ये पेंसिल ही क्यों जी? आप मुझे रिंच लाओ, गाड़ी का पहिया खोल के दिखा देंगे, खुल गई जी। अरे बाप रे बाप, यथा नामे तथा गुड़े, क्या बात, अपनी तारीफ मैं अपने मुंह से कर भैया के मुंह से कलवा ले रहा हूँ। दिनेश पाठक, क्या बात, जी जी अंग्रेजी में ना लिखवाइए, नहीं तो अंग्रेजी हमको नहीं आती, नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। बस यथा नामे तथा गुणे, श्रीमान दिनेश पाठक जी, जी इसके जीवन उदाहरण है। क्या मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और लिखने की जरूरत है। नहीं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये अपने में पूर्ण है। देखिए भैया ने लिख दिया, देखिए कैमरे के सामने, ये वाकई जो लोग आज के समय में, अच्छा भैया आध्यात्मिक हैं आप? देखिए कोई भी मानव यदि इस धरती पर है या कोई प्राणी इस धरती पर है तो अध्यात्म के कारण ही है, अन्यथा आप देखिए हमारे जैन मुनि होते हैं जी, जब मार्ग में चलते हैं तो बुहारते हुए चलते हैं, ताकि कोई चींटी भी नहीं मरे, अध्यात्म का प्रतीक है ये। गीता में आप देखिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हालांकि गांधी जी ने इसको तो आधा ही कहा, अहिंसा परमो धर्म सेकुलर बनाने के उद्देश्य से। हाँ, और देश को आज देखिए वही नासूर बन गया है। नासूर नहीं बन गया है, ये वो चीज बन गया है जिसको लोग मैं कहूंगा कि अजल गगरी छल कर जाए। किसी भी कोट को, किसी भी सूक्ति को, आप किसी भी श्लोक को, किसी भी वचन को आप थॉटली पढ़िए, उसकी थॉट पढ़िए, उसके पीछे छिपा क्या है। अहिंसा परमो धर्म अच्छी बात है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, धर्म क्या है? धर्म आप देखेंगे भगवान कृष्ण ने भी जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां भी राष्ट्र की ही बात थी, दुर्योधन की सोच दूसरी थी, पांडवों की सोच दूसरी थी। भगवान कृष्ण चाहते थे संघर्ष नहीं हो, विराम हो जाए, शांति का प्रस्ताव लेकर गए। हुआ क्या, उसने कहा मैं पांच गांव तो बड़ी दूर, मैं पांच सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब यहां पर क्या आ गया, राष्ट्र का स्व आ गया, और जब राष्ट्र का स्व आ गया सबसे बड़ा धर्म क्या है, राष्ट्र धर्म। इसीलिए जब लोग मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे की बात करते हैं तो ठीक है वो आपकी अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक और श्रद्धा का भाव है, लेकिन जहां पर राष्ट्र की बात आ जाए वहां पर इन सबसे ऊपर उठ के पहले राष्ट्र, चूंकि राष्ट्र है तभी हमारी आस्था है, तभी हमारा प्रतीक है, तभी हमारी संस्कृति है। और हमारे भारत की पहचान विदेशों में, चाहे स्वामी विवेकानंद जी गए हों या कोई और गया हो, परमहंस जी का डंका बजता है तो इसीलिए बजता है। तो आध्यात्मिक होने की बात जब आती है तो जिन लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं मनुस्मृति, दो लाइन पढ़ते हैं रामचरितमानस, सिर्फ एक चौपाई पढ़े भी नहीं, खाली सुने हैं, किसी सुने हैं, आप उसका अर्थ देखिए, अर्थ का अनर्थ करते हो। अरे भाई ये तो वही बात हो गई ना, नाव रोको मत जाने दो, एक अर्थ ये भी है और उसमें एक और भी है, नाव रोको मत जाने दो। अब आप कैसे इसको पढ़ते हो, कॉमा फुल स्टॉप कहाँ लगा दो, ये आप पर निर्भर करता है। आपकी सोच कितनी गंदी है उसी को आप गंदे रास्ते पे जा सकते हो। चाकू है चाहे आप उससे फल काट लो, चाहे किसी की हत्या कर दो, जैसे कन्हैयालाल के मामले में हुआ, राजस्थान में हुआ, सिर तन से जुदा की बात आती है। तो सीधी सी बात है, हमारा सनातन, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति सर्वप्रथम राष्ट्र को बोलती है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम तो भगवान श्री कृष्ण के उस सिद्धांत के अनुयायी हैं जब वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, परंतु उसी के आगे कहते हैं धर्म हिंसा तथैव च। जी जी क्या बात, तो हम तो उसके अनुयायी हैं। अब आध्यात्मिक हैं या नहीं है ये निर्णय करने का अधिकार मेरा नहीं है, ये प्रभु श्री राम जाने, भगवान कृष्ण जाने। हमारी संस्कृति जो है उसकी रक्षा करना मेरा अधिकार है, मेरा धर्म है। अब अगर इसको कोई ये कहता है कि आध्यात्मिक नहीं है, सेकुलर नहीं है, तो उसकी अपनी सोच है, मैं उसको बदल नहीं सकता। एक इवेंट हमको याद आता है, एक कहानी आपने सुनाया था जब आप गाड़ी लेकर जा रहे थे, जी दो महिलाएं मुस्लिम मिली थी, आपने उनको लिफ्ट दिया था, उसके बाद पता लगा उनकी हालत ख़राब, वो थोड़ा वाक्य बता दी। देखिए जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, और सनातन संस्कृति में कोई भी आए, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, जीविस हो, सबका सम्मान है, हम किसी का अपमान नहीं करते। हाँ इसके उलट लोगों ने लगातार अपमान किया है। अभी आप वो आपको शायद याद होगा मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट,
जिसमें जब एक समुदाय विशेष के लोग मेजॉरिटी में हो गए तो उनकी यात्रा उधर से धार्मिक यात्रा जा रही थी, बोले इधर से नहीं जाएगी क्योंकि ये हमारा बाहुल्य क्षेत्र है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, बोले सेकुलर कंट्री, यहाँ सबको रहने का अधिकार है, और पुलिस को भी वहाँ करारा जवाब दिया कि तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हो, तुम कर क्या रहे हो, लाइन ऑर्डर संभालना तुम्हारा काम है, यात्रा इधर से ही जाएगी। इसी तरह से अपनी संस्कृति का पालन करते हुए जब मेरे ड्राइवर ने मेरे साथ ह्यूमिलिएशन की बात करी पब्लिक प्लेस पे, अब तो RPWD एक 92 आ गया है, पब्लिक प्लेस पे कोई ह्यूमिलिएशन करता है तो FIR भी दर्ज होगी, कॉन्जेबल ऑफेंसेज हैं। उस समय भी जब उसने चाबी फेंकी पुलिस चौकी बारून के सामने का मामला है, तो मारे डर के कि पुलिस चौकी है, उस समय मेरे पास जीप थी, आज तो कार है, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, जब देखा कोई पुलिस वाला नहीं है, तो जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर लोग भाग रहे हैं, अरे लूला गाड़ी चला रहा है, मार डालेगा, ऐसा सोच के तो मैंने भी सोचा ये तुम्हारी सोच है, तुम भागो कहाँ तक भागते हो जी जी, जैसे आजकल हिंदू है ना, अभी देखो बांग्लादेश में हुआ, वहाँ से भागा, कश्मीर से भागा, कहाँ कहाँ तक भागोगे जी जी। मेरा सिद्धांत ये है कि मैं तो अपने रास्ते पर चलूँगा, तुम्हें भागना है तुम भागो, मैं नहीं भागने वाला भाई जी जी। तो मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, जब वो चमनगंज के पहले एक मोड़ जाता है हल्लेसारी को, तो वहाँ पर पहुँचा, तब तक पुलिस के एक दरोगा जी और पीछे सिपाही डंडा लिए बैठा हुआ था। तो थोड़ा सा देखिए, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मेरे पास कागजात नहीं, थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि अभी लेके लाठियाँ मेरी कुटाई करेगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने गाड़ी वहीं रोकी, पेशाब के बहाने रुका, लघु शंका के बहाने, और उसके बाद जब वो लोग निकल गए तो फिर गाड़ी बैठा स्टार्ट किया मैंने, आगे पढ़ाई था तो दो मुस्लिम महिलाएं, चूँकि बुरका पहनी थी, मैं उनको पहचानता भी नहीं था, गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट भी नहीं था, लेकिन वो लोग आई, हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक दिया, वो बैठ गई, पीछे बैठी तो उन्होंने हमारे हाथ को देखा भी नहीं। अब वो जब वो बैठी तो आपस में बतियाने लगी, महिलाओं की आदत है, आठवां अजूबा यही है, अब बतियाने लगी, भूल गई कि गाड़ी कौन चला रहा है, कहाँ जाना है। जब मैं सेवरा मोड़ के पास पहुँचा तो उन दोनों महिलाओं ने मुझे कुछ इशारा किया, भैया रुक जाइए यहीं उतरना है। मैंने गाड़ी अपने लेफ्ट साइड में लिया, उनको उतारा, उस समय ये फोर लेन नहीं बनी थी, सिंगल रोड थी। जैसे ही वो मेरे ड्राइवर साइड की तरफ आई पैसा देने के लिए, तो हाथ ऐसे ही थे, मैंने उनका नहीं 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 आप पैसा रखिए, इतना देखते ही कि अरे बाप रे मैं इतनी चली आई और अल्लाह अल्लाह करके वो नीचे गिरी। खैर वो भी नज़ारा मुझे मेमोरेबल है, वो कहीं भूलेगा नहीं मुझे। जी 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 जी, इसीलिए उसको मैंने पूछा। ठीक है, आप हैं भैया श्री अशोक द्विवेदी जी, क्योंकि आपसे बात करने के लिए एक समय की सीमा ना हो तब तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी और भी चर्चा, अभी जो भी कोई सामाजिक मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, राजनीतिक पर भी चलेंगे, हाँ इनके मूड की बात, जब व्यस्तता ना रहे और इनकी भी नहीं चलती, छोटी बिटिया है घर पे, भाभी जी तो अब नहीं रही, दिवंगत हो गई, लेकिन बच्ची की चलती है, इनकी भी नहीं चलती घर पे, जितनी इनकी चलती यहीं चलती है। एक दो बार निवेदन किया कि बेटा थोड़ा दो क्लिप दे दीजिए, अब देखिए मुलाकात होगी तो ठीक। भैया ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी व्यूवर्स को मेरा प्रणाम, वंदे मातरम।